जय साईं राम दोस्तों, जय माता दी। और दोस्तों आप सब कैसे हो? साईं की माता रानी के पास से आप सभी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के चिप्स, और मार्केट जैसे ही और घर तुम जैसे ही आपको चिप्स बनाकर बताएंगे। यहाँ पर मैंने आलूओं को यही 2 किलो से 3 किलो आलू हैं, तो यहाँ पर मैंने सारे आलू को छील लिया है और पानी में डाल दिया है। और एक बर्तन में पानी ले लिया है, और कद्दू किशनी होती है ना, उससे आप बारीक चाहिए तो उससे कद्दूकस कर, मतलब कद्दूकस नहीं, मतलब स्लाइस स्लाइस कर लेना है। और स्लाइस करने के बाद दोनों में थाली में पानी है, स्लाइस हो जाए तो उसको पानी में डालते जाना है। और आपको सरल और बिल्कुल सरल तरीका आपको बनाकर बता रहे हैं। और आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, इस तरह की स्लाइस कर लेना है, इतनी पतली पतली। आपको थोड़ी, जिसको मोटी पसंद है तो मोटी भी कर सकते हो, आप छुरी की सहायता से भी कट कर सकते हो। आपकी जो ऐसी इच्छा होती है वैसे आप गोल गोल स्लाइस कर लेना है, और इसको पानी में ही डालते जाना है। इससे पानी में डालने का ये है कि काले नहीं पड़ते हैं, किसी किसी के काले और लाल पड़ जाते हैं। तो मैंने आपको तरीका बता दिया, और अच्छा एक तरीका बताएंगे जिससे आपकी कभी भी एक एक करके आपको डालना पड़ता है तो वो चिपक जाती हैं, तो सटीक तरीका आपको उसमें भी बताएंगे। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, और एक भी चीज़ को उसको इसमें से मिस मत करना। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्रियंका गुप्ता के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक करना, शेयर करना इस वाले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। और बस यहाँ पर मैं स्लाइस करती जा रही हूँ आलू की, सारी हम कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर मुझे 2 तरह की आलू की चिप्स बनाएंगे, एक नमक वाली, एक बिना नमक की जो फलाहार में खाते हैं वो वाले। तो एक साथ में मैंने सारे आलू को स्लाइस कर लेंगे, मतलब काट लेंगे। फिर इसके बाद क्या प्रोसेस होगी वो बताएंगे आपको। और यहाँ पर तो अभी हम बैठ के उन्हीं को करती जा रही हूँ। और इन आलू की चिप्स बनाओ ना, कोई व्यक्ति छोटे आलू ले लेते, छोटे आलू नहीं लेना है आपको, बड़े वाले आलू ही लेना है। थोड़ी बड़े साइज़ में लो ना, तो वो क्या है कि बॉयल करते हैं ना, और फिर बॉयल होने के बाद सूखते हैं ना, तो वो सिकुड़ते हैं, तो वे छोटे हो जाते हैं, इसलिए बड़े बड़े आलू ही लेना है। और पहाड़ी आलू लो ना, वो सफ़ेद कलर के सर्दियों में आते हैं, वो बहुत सही रहते हैं, चिप्स उनकी बहुत अच्छी बनती हैं। ये आपकी कई तरह की मैंने टिप्स बता दी हैं, और मैं तो ये चिप्स पहली बार बना रही हूँ, मेरी मम्मी बनाती हैं, और इसलिए। फिर यहाँ पर मैंने आलू को कद्दूकस में, मतलब आलू को स्लाइस कर ली है, वो कुछ आलू रह गए हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ी बेटे को देखने के लिए गई थी, सामने की, चलो बस इतने आलू और है। अब इसके बाद हम थोड़ी देर बाद आपसे कर लेंगे, इतना मैं और स्लाइस कर लेती हूँ, फिर इसके बाद मिलेंगे। फिर यहाँ पर सारे आलू को मैंने इस तरह से स्लाइस कर लिया है, और इसको मैंने 3-4 पानी से धोकर पानी में डालकर रख दिया था। उसका जितना भी माड़ होता है ना आलू का, ये सब निकालना है, 5-6 पानी, जब तक पानी सफ़ेद ना आ जाए और जब तक वो आलू का माड़ ना निकले, जब तक आपको धोना है। फिर धोने के बाद थोड़ी आधे घंटे के लिए आपको उसी पानी में छोड़ देना है। छोड़ने के बाद इसमें आपको गैस पर रखना है इसे 80, और इसको अध कच्चा पकाना है, मतलब 15 मिनट आपको केवल पकाना है, और बस। फिर ये मैंने बिना नमक वाली है उसमें तसल में बॉईल कर ली है, और ये नमक मैंने डाल दिया है, तो ये नमक वाली है। जो यहाँ पर चावल आलूओं का जब माड़ फंसू कर आ रहा है, इसको भी निकाल लेना है, निकल सके तो। फिर ये मैंने दोनों को अच्छी तरह से 15 या 10 मिनट बॉईल कर लिया है। एक टिप्स यही है कि इसको कम आपको बॉईल करना है, आप ज़्यादा कर लोगे तो आपको फैलाने में प्रॉब्लम होगी। फिर इसके बाद आगे बताते हैं आपको। ये मैंने गैस को बंद कर दिया था। अब इन आलूओं का प्रोसेस है, जब तक इसको 5-6 पानी से धोना है, जब तक इसका चिपकनापन दूर हो जाए। आलू चिपक जाते हैं तो ये चिप्सें अच्छी नहीं बनती हैं। तो यहाँ पर भी एक टिप्स यही है कि इसको 5-6 पानी से ही निकालना है। जो नमक वाली बनाया था, केवल आपको उसमें नमक डाल देना है, आपको बॉयल कर लेना है,
और वो अलग साइड से, और ये बिना नमक के केवल आपको ऐसे ही बॉयल कर लेना। और फिर दोनों को इसी तरह पानी में पाँच छः पानी से धोकर निकाल लेना है। फिर ये आप रात के समय करके डाल दो, तो वो हमें ये मैं रात के समय ही पंखे में डाल देती हूँ, सुबह धूप लगा देंगे। फिर एक एक स्लाइस करके आराम से उठती जाएंगे। आपको इस तरह से फैला लेना है पॉलीथीन में, पॉलीथीन है, साड़ी है, कपड़े पे, किसी पे भी आप फैला सकते हो, ये चिपकेंगी नहीं। ये आटे की आती है पॉलीथीन वगैरह, उस पर आराम से चिपकती भी नहीं, आराम से निकल जाती है। इस तरह से मैंने ये पॉलीथीन को आलू नमक वाले बिना नमक के फैला दी है, और इस तरह से मैंने पूरी तरह से फैला दी है। अब इसको रात भर सूखने देंगे और सुबह दो तीन दिन धूप में रख देना है, मतलब छत पर रख रहे तो एक ही दिन में, या अपनी बालकनी में रखते हो तो दो तीन दिन आपको सुखा लेना। और इस तरह से ये सुबह का वीडियो, इस तरह से देखो पंखे में सूख गई हैं और ऑटोमेटिक निकल गई हैं, और इतनी बड़ी चिप्स इतनी सुखड़ के इतनी सी छोटी छोटी हो गई हैं। अब इनको मैं थाली में भर लेती हूँ, नमक वाले और बिना नमक वाले अलग अलग थालियों में मैंने भर ली है। अब इनको मैं धूप में दिखाने के लिए रख दूँगी। ये नमक वाली है, एक बिना नमक, ये वाली नमक वाली है, बिना नमक वाली हैं। फिर अब ये मैंने एक साथ एक थाली में रख दी, अब इसको मैंने धूप में रख दी है दोनों चिप्सों को। अब बालकनी में आती है, अब तो अच्छी खासी नीचे आ जाती है, तो ये दो दिन में सूख जाएंगी। और मैंने इसको धूप में रख दिया है चिप्सों को सुखाने के लिए। ये दो दिन बाद सूख गई हैं, तो सूख जाने के बाद देखो इस तरह की हो गई, कितनी बड़ी थी छोटी छोटी हो गई। इसको मैंने एक डिब्बे में भरकर ढक्कन लगाकर आपको रख देना, आपकी साल भर चलती रहेंगी, कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी नहीं होंगे। चलो अब आपको हम फ्राई कर भी बताते हैं। मैंने निकाली हैं चिप्स, आप घी या तेल में आप फ्राई कर सकते हो, नमक वाली बिना नमक वाली भी, नमक वाली भी अच्छी लगती हैंगी, क्यों बाजार जैसी हो मार्केट्स में तो उसी तरह लगती है, आप फ्लेवर भी डाल सकते हो। फिर यहाँ पर मैंने फ्राई कर लिया। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्रियंका गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर जाकर प्रियंका गुप्ता के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।